अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ऐशा इरशाद और आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शोबिज़ की मुख्तलिफ शख्सियात ने फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाई और इजहार यकजहती किया, लेकिन आयज़ा ख़ान पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में कोई भी पैगाम या कोई भी ट्वीट शेयर नहीं किया। इस हवाले से पाकिस्तान की मकबूल तरीन अदाकारा आयज़ा ख़ान ने अब तक फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आवाज़ ना उठाने की वजह बता दी है। 7 अक्टूबर से इसराइल की जानिब से गजा पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली जारहियत से मजीद 306 फलस्तीनी शहीद हुए, जिसके बाद 7 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वाले अफराद की तादाद 10,328 हो गई है। दुनिया भर की 24 शख्सियात समेत मारूफ सेलिब्रिटीज़ गजा के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रही हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर 13 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स रखने वाली पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा आयज़ा ख़ान ने अब तक इसराइल की बमबारी के ख़िलाफ़ नहीं बोला था। इस हवाले से मदाह भी खासे नाराज़ दिखाई दे रहे थे और अदाकारा की सोशल मीडिया पोस्ट पर तबसरे करके इन्हें याद दिलाया। ताहम आयज़ा ख़ान ने तमाम नाकदीन को एक पोस्ट के ज़रिए जवाब दिया है। आयज़ा ख़ान ने अपनी पोस्ट पर सवाल, आप फ़लस्तीन के हक़ में सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों नहीं कर रही, के जवाब में कहा, क्योंकि मुझे इल्म है कि रोज़ाना फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करना पोस्ट करने से ज़्यादा बेहतर है। अदाकारा ने लिखा, बराए मेहरबानी दुआ करें जितना आप कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म को दूसरों पर उंगली उठाने और तनकीद करने से गुरेज करें। हम सब के बच्चे और चाहने वाले हैं और हम सब इस गम यानी कि फ़लस्तीनियों पर होते हुए जुल्म को महसूस कर सकते हैं। अपनी पोस्ट में आयज़ा ने मज़ीद लिखा कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो सब किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे रब पर यकीन है और मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक बहुत जल्द इन्हें इंसाफ दिलाएंगे। साथ ही आयज़ा ख़ान ने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज़ भी शेयर की हैं। उन्होंने अपनी एक और इंस्टाग्राम स्टोरी में गजा के बच्चों की तस्वीर शेयर की और लिखा, या अल्लाह रहम। आयज़ा ख़ान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में जाय नमाज की तस्वीर शेयर की और कहा, इस ताल्लुक़ को किसी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अदाकारा ने अपनी स्टोरी में चंद हैशटैग्स का इस्तेमाल किया, जिनमें लिखा कि इंसानियत के लिए, फ़लस्तीन के लिए, दुनिया के लिए और अमन के लिए दुआ कर रही हूँ।